Welcome to Siddhant Career Point. Today we discuss about special OBG MCQ for your medical and nursing exam. If you are visiting our channel for the first time, please do subscribe the channel, share the video, like and comment. MCQ number first ki baat karte hain. A woman who delivered twins in her first pregnancy is called. Option A, gravida 1, para 1. Option B, gravida 2, para 1. Option C, gravida 1, para 2. Option D, none of the above. इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ग्रेविडा वन पैरा वन, मतलब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव किया और फर्स्ट टाइम बेबी को डिलीवर किया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा इसका. और एमसीक्यू नंबर टू की बात करते हैं. ए नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट प्लेस टू डिटेक्ट फीटल हार्ट साउंड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. ऑप्शन ए अवॉइड द सिम्फिसिस प्यूबिक, ऑप्शन बी अवॉइड द अम्बिलिकस, ऑप्शन सी एट द अम्बिलिकस, ऑप्शन डी बिलो द सिम्फाइसिस. इसका राइट आंसर रहेगा अवॉइड द सिम्फाइसिस प्यूबिक ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. फीटल हर्ट साउंड है ना, अवॉइड द सिम्फाइसिस प्यूबिक से डिटेक्ट कर दें. एमसीक्यू नंबर तीन की बात करते हैं. यूटेरस इज पाल्पेबल, अवॉइड द सिम्फाइसिस एट ऑप्शन ए 14 वीक, ऑप्शन बी 8 वीक, ऑप्शन सी 10 वीक, ऑप्शन डी 12 वीक. इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 12 वीक. एमसीक्यू नंबर फोर की बात करते हैं. एट 1 वीक ऑफ गेस्टेशन द यूटेरस लुक लाइक. ऑप्शन ए स्मॉल अनरेप्ड पेयर, ऑप्शन बी लार्ज ऑरेंज, ऑप्शन सी साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट, ऑप्शन डी क्रिकेट बॉल. इसका राइट आंसर रहेगा लार्ज ऑरेंज. एमसीक्यू नंबर पाँच की बात करते हैं. द सिक्रीशन ऑफ एससीजी बाई द प्लेसेंटा इज मैक्सिमल ड्यूरिंग. ऑप्शन ए लास्ट गेस्टेशन, ऑप्शन बी मिड गेस्टेशन, ऑप्शन सी इम्प्लांटेशन, ऑप्शन डी अर्ली गेस्टेशन. इसका राइट आंसर रहेगा अर्ली गेस्टेशन. ऑप्शन डी अर्ली गेस्टेशन इज द राइट आंसर ऑफ एमसीक्यू नंबर फाइव. एमसीक्यू नंबर छः की बात करते हैं. फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंजुअल पीरियड रिपोर्टेड बाई प्रेगनेंट इज 26 जुलाई 2012. द ईडीडी विल बी ऑप्शन ए 2 मई 2013, ऑप्शन बी 19 अप्रैल 2013, ऑप्शन सी 3 मई 2013, ऑप्शन डी 30 अप्रैल 2013. तो इसमें ना आपको 26 जुलाई में 9 मंथ प्लस 7 डेज को जोड़ना है, मतलब 26 जुलाई जो 2012 में 9 महीने 7 दिन को जोड़ना है, और जो आएगा ना वो राइट आंसर रहेगा इसका. एमसीक्यू नंबर 7 की बात करते हैं. द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑप्शन ए 300 डेज, ऑप्शन बी 250 डेज, ऑप्शन सी 365 डेज, ऑप्शन डी 280 डेज. तो इसका राइट आंसर रहेगा 280 डेज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा. ठीक है. एमसीक्यू नंबर 8 की बात करते हैं. हाउ ईडीडी इज कैलकुलेटेड. ऑप्शन ए 9 मंथ प्लस 7 डेज प्लस एलएमपी, ऑप्शन बी एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 10 डेज, ऑप्शन सी एलएमपी प्लस 8 मंथ प्लस 7 डेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 9 मंथ प्लस 7 डेज प्लस एलएमपी. एमसीक्यू नंबर 9 की बात करते हैं. द ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल प्रेगनेंसी इज नॉर्मल प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर रहता है. ऑप्शन ए स्लाइटली इंक्रीज, ऑप्शन बी मार्कली इंक्रीज, ऑप्शन सी नॉट इंक्रीज, ऑप्शन डी सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज. इसका राइट आंसर रहेगा ब्लड प्रेशर नॉट इंक्रीज, मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है. ठीक है. ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 10 की बात करते हैं. विच टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज सेफेस्ट इन सीवियरली एनीमिक पेशेंट ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी. मतलब सीवियर एनीमिक, मतलब 7 mg/dL से भी कम हीमोग्लोबिन का लेवल है. ठीक है.
तो ऑप्शन ए फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाई द फास्ट ड्रिप, ऑप्शन बी फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाई ऑफ स्लो ड्रिप, ऑप्शन सी पैक्ड पी सी बी पी पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन बाई स्लो ड्रिप, ऑप्शन डी पैक सेल ट्रांसफ्यूजन बाई फास्ट ड्रिप। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पैक सेल ट्रांसफ्यूजन बाई द स्लो ड्रिप। एमसीक्यू नंबर 11 की बात करते हैं, ए प्रेग्नेंट वुमेन डायग्नोसिस सीवियर एनीमिया विल बी ट्रीटेड बाई, सीवियर एनीमिया मतलब 7 mg/dL से हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, तो उसको हम नर्स कैसे ट्रीट करेगी। ऑप्शन ए एडवाइज टू टेक फूड रिच इन आयरन एंड विटामिन सी, ऑप्शन बी एडवाइज टू टेक आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट 1 OD once a day फॉर 1 month, ऑप्शन सी पैक सेल ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर आयरन IM इंजेक्शन 1 OD once a day फॉर 1 month। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, MCQ नंबर 12 की बात करते हैं, ए हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी इज बॉर्न एट टर्म, ऑप्शन ए 37 से 42 वीक, ऑप्शन बी 37 से 40 वीक, ऑप्शन सी 38 से 40 वीक, ऑप्शन डी 39 से 40 वीक। इसका राइट आंसर रहेगा 37 से 40 वीक। MCQ नंबर 13 की बात करते हैं, व्हाट इज द वेट ऑफ द यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ऑप्शन ए 600 ग्राम, ऑप्शन बी 700 ग्राम, ऑप्शन सी 800 ग्राम, ऑप्शन डी 900 ग्राम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 900 ग्राम। MCQ नंबर 14 की बात करते हैं, द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा एट टर्म इज, ऑप्शन ए 500 ग्राम, ऑप्शन बी 1000 ग्राम, ऑप्शन सी 1500 ग्राम, ऑप्शन डी 2000 ग्राम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 500 ग्राम एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा एट टर्म। ठीक है, MCQ नंबर 15 की बात करते हैं, विच लेबोरेटरी टेस्ट इज असेंशियल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर, ऑप्शन बी यूरिन टेस्ट फॉर एल्कुमिन एंड शुगर, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन टेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। MCQ नंबर 16 की बात करते हैं, द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस इज, ऑप्शन ए ट्रोगिटाजोन, ऑप्शन बी ग्लिपिजाइड, ऑप्शन सी मेटफॉर्मिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इंसुलिन, क्योंकि अगर हम ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट अगर दे रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो प्लेसेंटा से क्रॉस हो जाते हैं, इसलिए हम इंसुलिन सजेस्ट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। MCQ नंबर 17 की बात करते हैं, ए फीमेल फॉरगेट हर LMP हु विल कैलकुलेट हर EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे चेक करोगे, है ना, तो ऑप्शन ए वाई लास्ट डे ऑफ मिस्ड पीरियड, वाई फंडल हाइट पाल्पेशन, वाई ऑप्शन सी द डेट ऑफ क्विकनिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द ऑल अबाउट द मेथड्स। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल अबाउट द मेथड्स, जितने भी मेथड्स हैं ना हम सबको यूज में लेंगे LMEDT कैलकुलेट करने में। MCQ नंबर 18 की बात करते हैं, विच शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ अवॉइड करना चाहिए, तो स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, ऑप्शन सी तंबाकू अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, ऑप्शन डी ऑल अबॉय। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल अबॉय, हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हर चीज़ को अवॉइड करते हैं, स्मोकिंग अल्कोहल तंबाकू ऑल अबॉय को हम अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में। MCQ नंबर 19 की बात करते हैं, मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इज ड्यू टू,
ऑप्शन ए इंक्रीज एस सी जी हारमोन, ऑप्शन बी इंक्रीज एसिडिटी, ऑप्शन सी इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल, ऑप्शन डी इमोशनल फैक्टर। इसका राइट आंसर रहेगा इंक्रीज एस सी जी हारमोन। और एमसीक्यू नंबर 20 की बात करते हैं, वन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी हाई कार्बोहाइड्रेट फ्रूट फूड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी आयरन, एक असेंशियल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। सिद्धांत कैरियर पॉइंट ऑन टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सिद्धांत कैरियर पॉइंट का खुद का यूट्यूब, खुद का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, इफ़ यू लाइक अवर वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, थैंक यू सो मच।